नौजवानों, याद रखो, अगर तुमको दुनिया में इज्जत, शोहरत, दौलत, ताकत अगर हासिल करना है तो सिर्फ एक ही चीज करो, उससे तुमको सब कुछ मिल जाए। और वो क्या है मालूम? अपनी माँ बाप का एहतराम करो, माँ की इज्जत करो, बाप का एहतराम। मैं आज जो कुछ भी हूं तो अपनी बाप की दुआओं की वजह से, अपनी मां की दुआओं की वजह से। मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं, पढ़ भी नहीं सका, कुछ भी नहीं, फिर भी आज अल्लाह ने मुझे इज्जत से, शोहरत से सबसे नवाजा है। तो क्यों नवाजा है? कि मां की दुआ मेरे साथ है, बाप की दुआ मेरे साथ है। आपको मालूम, आपको एक वाकया सुनाऊं, एक बात सुनाता हूं, चलो। कि सालारे मोहतरम घर से नहीं निकलते थे जब तक कि अपने मां से नहीं मिल लेते थे और अपनी मां की इजाजत हासिल नहीं करते। एक मर्तबा बहुत नाराज हमारी दादी सालार की वालदा, और सालार कह रहे हैं अम्माजान दारुसलाम जाना है, उससे मैं जवाब नहीं दे रहा। अम्माजान दारुसलाम जाना है, मीटिंग है, जवाब नहीं दे रहा। डेढ़ घंटे तक सालार हाथ बने खड़े रहे अपने मां की इजाजत के लिए। डेढ़ घंटे बाद मां ने इजाजत दी तो झुक के सलाम करते हुए दारुसलाम को आए। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के मिजाज में तेजी थी, मालूम है, तेजी थी, वो अल्लाह से भी तेजी से बात करते। तो एक मर्तबा अल्लाह ने कहा, मूसा अब जरा संभल के, वो हाथे नहीं रहे जो तुम्हारे लिए दुआ करती। तो अल्लाह की मुराद मूसा अलैह सलाम की वालिदा से थी कि मूसा अलैह सलाम की वालिदा दुआ करती थी और कहती थी, आय अल्लाह मूसा के मिजाज में तेजी है, अगर कोई गलती हुई है तो आय अल्लाह तो मूसा को माफ, अय अल्लाह मूसा के मिजाज में तेजी है, कुछ गलती हुई तो माफ कर दे। तो अल्लाह इसलिए कह रहा था कि मूसा एहतियात, अब वो मां नहीं रही जो हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआ कर। मूसा एहतियात करने लगे,